ए जन्नते कश्मीर, ए वादिये कश्मीर, सबसे सुंदर ए फिजाए कश्मीर। बर्फ की चादर से ढकी हुई जमीन, सूरज की किरणों पे चमकती हुई हसीन, हर पल लहराए वादे सवार, खूबसूरती इसकी चांद से भी जमीर। ए जन्नते कश्मीर, ए वादिये कश्मीर, सबसे सुंदर ए फिजाए कश्मीर। हेलो गाइस, दिस इज अजितान सुवार। आप सभी को फिर से स्वागत है वर्ल्ड ट्रिप में। सो फ्रेंड, आज हमारी कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है और अभी हम हैं श्रीनगर में। सुबह रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए गुलमर्ग। गुलमर्ग यहाँ से बस 1.5 घंटे की दूरी पे है। अभी फ्रेश हो गए हैं और ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। ब्रेकफास्ट में तो बहुत सारी चीज था दोस्तों, तो हम कंफ्यूज हो गए कि क्या खाए और लास्ट में पूरी और आलू पराठा से पेट भर लिया। तो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट करके हम निकल रहे हैं गुलमर्ग के लिए। सब ठीक ठाक है। रास्ते में ड्राइवर ने बताया यहाँ एक ढाबा है, राजा ढाबा, जो कि बहुत फेमस है, तो सोचे हम भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। बस ऐसी बात कर रहे थे तो मैगी खाने की बात आई और इसीलिए हम रुक गए हैं तो एक जगह में। सच में राजा ढाबा का खाना लाजवाब था। बहुत हेवी हो गया खाना, इसलिए थोड़ा चल रहे हैं। हाँ, हम मैगी खाने आए थे, बरसात में रोटी और पालक पनीर भी खा लिए। बोलो। गुलमर्ग में हमारा प्लानिंग था गोंडाला केबल कार राइड, जिसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ती है, जो कि हमारी मेक माई ट्रिप की बुकिंग में इंक्लूड था। वहाँ ठंड और स्नो की वजह से ड्राइवर ने एक्स्ट्रा जैकेट वगैरह लेने के लिए सजेस्ट किया, जो कि हमें रेंट में काफी चीप प्राइस में मिल गया। ये खतरनाक। गुलमर्ग एंट्रेंस के रास्ते के दोनों तरफ बर्फ से ढकी हुई जमीन और उसके चारों तरफ पाइन्स और देवदार के ट्रीज जर्नी के दौरान एक अलग ही सुकून देती है। ये फॉरेस्ट को ग्रीन गोल्ड बोला जाता है, क्योंकि ये गोल्ड की तरह ही प्रेसियस है। इन्हीं जंगल की ओट से यहाँ का घर और सिकारा बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं, व्यू उतना मजेदार उतना सुंदर होते जा रहा है। अभी बारिश शुरू हो गई है और तो शायद ऊपर हमको स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। रास्ते में हमने देखा एक इग्लू, जो कि हम बचपन में सिर्फ किताबों और टीवी में देखा करते थे। केबल का राइड में बहुत लंबी लाइन थी, जिसको देख के लगा शायद ये आज खत्म ही नहीं होगी। One eternity later. लगभग 2.5 घंटे क्यू में रहने के बाद फाइनली हमको मिल गई अपना कार्ड। गाइस, बाहर बहुत जोर से स्नोफॉल हो रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। लगभग 15 मिनट राइड के बाद हम पहुंच जाते हैं फेज 1 में। वो।
सो गाइस अभी अभी बहुत जोर से स्नोफॉल हो रही है। शायद ये लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। कश्मीरी कावा वाओ कावा कैसा लगा? मस्त, मजा आ गया। कावा कैसा लगा? बेसिकली कावा क्या होता है, एक केसर वाला कावा है जी। इसमें दाल चीनी डाला, अदरक डाला, नारियल डाला और सब कुछ डाला और चीनी भी डाला इसमें। और ये पीने में, पीने में फ़ायदा क्या है? इसमें गला साफ हो जाती है और गर्मी भी आ जाती है। हाँ, और अंदर शरीर से गर्मी होती है। ओके, कावा कॉफी चाय, कावा कॉफी। ऐसे मौसम में भेलपुरी मिल गया, बोलो। चार चार हो गए ना। अभी बारी आती है हमारी दूसरी एक्टिविटी की, जो है स्लेज राइड। ये देख के तो क्रिसमस की मूवी में सांता की याद आ गई। अभी अभी लंच के लिए एक जगह पे रुके हैं। स्लेज गाड़ी में भी मजा आ गया। हाँ, यहाँ पे ये लोग आग का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए गाइस, मुझे एक नया दोस्त मिला है। ओ लंच में हम कश्मीरी वाजवान का लुत्फ उठाते हैं, जिनमें था मटन रिश्ता, रोगन जोश और सिख कबाब। खाना खाने के बाद हमें अपना होटल लौटना था और जाने के लिए हमें मिली दो ऑप्शंस। पहला आज यूजुअल केबल कार राइड, जिसका टिकट हमारे पास पहले से था, और दूसरा स्लेज करते हुए नीचे होटल तक जाना, और उसका प्राइस था पर हेड 2500 रुपए। क्वाइट ऑब्वियस हमने स्लेज राइड को चूज किया, जो कि 7 किलोमीटर की एडवेंचरस सफर था और साथ में था एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। कोई नहीं, कोई नहीं। गिरते संभलते आगे बढ़ते गए। बर्फ बॉडी की ऐसे ऐसे पार्ट में घुस गई थी कि आपको बता भी नहीं सकते। फिर भी एड्रेनालिन रश इतना था कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस एंजॉय करते रहे। लग रहा था कि ये टाइम कभी खत्म ही ना हो। चोट तो नहीं लगी ना? चोट तो स्नो में नहीं लगी, नहीं लगी, चोट पे नहीं लगी। ओके आप है जी जी, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ गया। इससे मजेदार चीज लाइफ में कभी कही की नहीं है, और इससे बेस्ट एडवेंचर कभी की नहीं है गाइस। और बेस्ट क्रेडिट जाता है भैया को। भैया आपका नाम क्या है? अल्ताफ। अल्ताफ भैया को जाता है सबसे बेस्ट क्रेडिट, जो कि हमको एक मजेदार राइड दे रहे हैं। मतलब मतलब कि आपको मजा आ रहा है? बहुत।
बैलेंस बनाएगा ना जी, हम आपको पूरा टाइम अकेले चलाने को देंगे। ओके अजो देखा दिया बोलेगी। वाओ बहुत, और आप लोग का मेहनत भी है भैया, मानना पड़ेगा। हम तो मजा ले रहे हैं लेकिन असली मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं। ये स्नोफॉल भी हर दिन तो नहीं होता होगा ना, ऊपर से मार्च के महीने में। और क्या, ये नसीब वालों की बात है भैया। मन नहीं माना तो बीच में रुक के बर्फ में बच्चों की तरह खेले। आफ्टर ऑल दिल तो बच्चा है जी। आप गेस करके नहीं बता पाएंगे कि अभी टाइम क्या हुआ है। अभी टाइम हुआ है शाम को 7, और लाइट देखिए आप, कोई भी नहीं बोल पाएगा कि शाम को 7 बजे हैं। और ये भाई लोग भी बोल रहे हैं कि आप लोग बहुत लकी हो क्योंकि मार्च के महीने में आपको ऐसे स्नोफॉल मिल रहा है। सच में हम लोग लकी हैं, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ और आप देख के वर्चुअली इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। GoPro की बैटरी डेड हो गई है, दोनों बैटरी डेड हो गई है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो रही है कि माइनस टेम्परेचर में अपने आप ही 30% होने से भी अपने आप ऑफ हो जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। पहली बैटरी का भी हाल ऐसा हुआ था, 30 में अपने आप ऑफ हो गया, और दूसरी बैटरी का भी। तो इसलिए अभी हम फ़ोन पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अभी एक टी पॉइंट है, वहीं पे रुके हैं थोड़ा चाय नाश्ता करने के लिए, फिर निकलेंगे। एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि जो भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं इन लोगों की वजह से ही हुआ है, स्लेज से। और क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम साहिल। और अगर कोई टूरिस्ट आके गुलमर्ग में स्लेज करना चाहे तो कैसे आपको कॉन्टेक्ट करना है? करे उसमें नंबर हमारा रहता है। ओके okay. और भैया जी का नंबर है मेरे पास, डिटेल भी दे दूंगा। घर सब आप देख रहे होंगे, इनके हिसाब से ये घर है बंजारा लोग का, जो कि समर के सीजन में यहाँ के रुकते हैं और फिर होटल की ओर बढ़ जाते हैं। लास्ट पार्ट में पूरा हालत टाइट हो गया है, पैर के नीचे आइस पहुंच के पांव पूरा सुन हो गया है। लेकिन ना ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में कभी नहीं किया था। द बेस्ट। अभी हम जहाँ अपना रात का स्टे है वहीं पे पहुंच गए हैं, मतलब सब स्लेज करके सब गीला विला हो गया है, पूरा पेंट गीला हो गया है, देख सकते हैं। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गीला होके। सो फ्रेंड अभी हम तो होटल में पहुंच गए हैं और थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, और बाहर का व्यू देखिए।
इतने भी मन नहीं मानता कि डिनर के बाद भी स्नोफॉल का मजे लेने बाहर निकल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी गुलमर्ग की ट्रिप। इसके साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं कश्मीर की एक नई जगह में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।